कर ऐसे भी वापस क्लॉकवाइज। अरे यार अरे तन्ना ला इधर। अरे एक सेकंड सर, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। ए आधा घंटा ऐसे ही खेल दिया। पेंसिल से गेम से चलेगा। कभी घर पे भी प्रैक्टिस किया कर तो जल्दी बन जाएगा आरएस। देखना आप ये नीचे ना जाए। नहीं नहीं आएगा। ये छोटा ये बड़ा वो इसके एक एक पीसेस घुमा दिए जयदीप सर। ओ चेक करना है नाम तो लिखने तो देखना अभी इधर मैं समझा रहा हूँ ना ला जल्दी सिलाई इधर। अरे देना अब तो बंद तो कर रहा है चेंज कर लूँ ऐसे सो गया है दो बार मुझसे। देखना पहले सुन लेना जब भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा अगर आर का एस हो गया तो एनएनसी होगा। अगर मान लो किसी में एक ही कार्डल सेंटर है तो आर है तो अगर उधर एस मिल गया तो क्या हो गया दोनों एनएनसी होगा। अगर दो कार्डल सेंटर है तो मान लो इधर आर आर है इधर क्या आ गया एस एस तो आर का एस हो गया आर का एस हो गया वो दोनों आपस में क्या हो गया एनएनसी। अगर इधर आर आर है इधर एक में एस हुआ एक में आर हुआ तो एक ही में चेंज हुआ ना एक ही में चेंज तो डैश थ्री हुआ। अब अगर इधर आर आर है इधर भी क्या आ गया आर आर आईडी क्या हो गया आईडेंटिटी। एक कार्बन कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज होगा तो वो क्या होगा दोनों आपस में डैश थ्री होगा। सर एक का अच्छा एक का चेंज होगा डैश थ्री आइसोमर। अगर 10 कार्बन कार्बन है 10 का चेंज हो गया तो एनएनसी होगा। उस 10 में से अगर किसी एक का चेंज हो गया तो डैश थ्री आइसोमर। 10 का 10 सेम हो गया तो आइडेंटिकल। समझ में आया। अगर तुम पूछो एक का आर एस है और उधर जाके एस आर हो गया कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ एक कार्बन के रिस्पेक्ट में तो क्या हो गया डायस्टेरियोमर्स दोनों दोनों चेंज हो गए एनेंसियोमर्स दोनों सेम रह गए आइडेंटिकल। और दूसरी चीज ध्यान रखना अगर ये कार्बन कार्बन जैसे यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन कार्बन ये टू है तो ये वाला कार्बन कार्बन देखो वो उधर नीचे ही है नीचे ही है ऐसा ऊपर वाले को ऊपर है ऊपर है हां तो वो सेम रहा वो सेम रहा वो आर वो कंपेयर किस में करना है इससे आप इसलिए समझ में आ रहा है। चलो अब आरएस की बात करते हैं। पहले वाले में आरएस कर निकाल रखा था अपन ने सर 10 कार्बन वाला बोला उसमें अगर सही कैसा होता है कॉन्फिगरेशन चेंज हो रहा है तो वो है अरे जितने भी कार्बन कार्बन हो अगर एक का आपको पता तो सब में आरएस वैसे ही निकालने का है। समझ में आ रहा है एक का 1 2 3 4 करना है आपको जैसे देखना एक का कर देते हैं ये मान लो ये वाला कार्बन है अपना इससे लगा तो ये फर्स्ट हो गया ये वाला फोर हो गया अब आपको 2 और 3 देखना है। इससे पहला कार्बन है 6 एटॉमिक नंबर क्या है 6 एटॉमिक नंबर। इसका दूसरा आइटम क्या है ऑक्सीजन। इसका दूसरा आइटम क्या है ऑक्सीजन सेम है अभी तक। इसका तीसरा आइटम क्या है कार्बन उधर ऑक्सीजन। तीसरा आइटम क्या है तो वो 2 और ये 3 ये क्या हो गया 2 और नीचे क्या हो गया 3। देखना ध्यान से ये 1 है ये 4 है ऊपर 2 हो गया नीचे 3 हो गया। अब मेरे को कहां से जाना है 1 से 2 से 3 1 से 2 से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में क्या मिलता है एस एस समझ में आया। हां सर ये तो फिर तो इसका आर था ना ऊपर तो आर ही लिखा है ना आर लिखा बहुत सुना पड़ यार नहीं सर नीचे एस लिखा था। अरे पर वो नीचे उसके नीचे वाले का था इसका कॉन्फ़िगरेशन जिसमें अगर तेरे को डाउट लगेगा मेरे को बोल देना मैं समझ लूंगा। एस एस थर्ड वाले में एस 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 एस
उसमें ओएच किधर लिखवाया इधर लिखवाया, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग तुम लोग का पेपर चेक करूंगा, ठीक है। अब मैंने ओएच किधर लिखा है इधर लिखा, तो मेरे अकॉर्डिंग इसके में क्या आएगा, एस आर। अगर आपका आर आया होगा तो मेरा क्या आएगा, एस आएगा। और ये क्या हो गया, वैसे क्या होगा, आर आर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो तुम लोग को दिया मैंने। अरे इधर देखना, आर एंड एस निकालने आ गया क्या। चलो सबसे पहला रिलेशन है ए एंड बी, ए एंड बी देखना, ए एंड बी देखो, ए है बी है, आर है एस है, एस है, एक चेंज हुआ है। इसके बाद अगला है बी एंड सी, बी एंड सी देखो जो पीछे है दोनों सेम है, मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी धोखा हो गया सर, वो सेम ही रखने का था। नेक्स्ट में क्या है, सी एंड डी, सी एंड डी देखना, ये सी एंड डी है, एस है, एस है, एक ही चेंज हुआ है ना, नेक्स्ट चेंज हुआ, नेक्स्ट। इसके बाद है ए एंड डी, ए एंड डी देखना, आइडेंटिटी ए और डी वाला है, आर है, एस है, आइडेंटिटी हो रहा है, आर का उधर क्या हो चुका है, एस, ये इधर है इसका उधर आ, मतलब दोनों कन्वर्ट हो गया, तो क्या हो गया, एनएनसीओ। सर मतलब इस अभी जो आपने लिखा है इस हिसाब से तो आइडेंटिकल है ना, अभी जो आपने बोर्ड पे लिखा है उसी हिसाब से आइडेंटिकल है ना, क्वेश्चन पेपर में एनएनसीओ होगा सर। हां सर इसमें भी आइडेंटिकल रखते हैं, मैंने गलती से इधर पे इधर बोल दिया ना, मुझसे चेंज हो गया, ए एंड डी हो गया। इसके बाद का बी एंड डी, बी एंड डी देखना, चलो एस है, एस है, एस है, उधर क्या है, तो क्या हो गया, डैश डायमंड। इसके बाद क्या था, ए एंड सी, सी देखना, ए एंड सी, ए में इधर आ रहे उधर भी एस, आर का क्या हो चुका है, एस, एस का क्या है, एस, तो एक ही चेंज हुआ है ना, क्या हो गया, डैश डी और वन, ए एंड सी हो गया, ए एंड डी तो पता है क्या हो गया, उसमें हां क्योंकि उसमें वो वाला सी सी ओ सी टू एच फाइव वाला ऊपर है, इसके नीचे है तो कंफ्यूज हो जाता है। आर एस आर सर, तो आर एस और एस आर तो आइडेंटिकल, अरे पर वो एटम देखना होगा ना, वो वैसे घुमा दिया ऐसे घुमा दिया, आर के साथ ओ एच है, सी ओ एच है और एच है, उधर भी आर के साथ वही सेम तीन एटम है। इसमें तो एस्टर ही नहीं है, एस्टर कहाँ है, इसमें है ना, तो इसका कंपैरिजन इसके साथ, ये जान बुझ करके पलट के दिया जाए, क्योंकि तुम लोग तो सामने सामने मिला हो ना। चलो एक अगर तुम लोगों का हो जाएगा तो ये टोटल कितना है, टोटल होगा तो ये मिजो कंपाउंड ऐसे वो बन जाएगा तीनों में, आइडेंटिकल तभी होगा जब कॉन्फिगरेशन क्या हो सेम, तो आइडेंटिकल बोल जाना है।
और आइडेंटिकल कब निकालेंगे जब दो तेरे पास एक इधर एक इधर उसको ऐसे उल्टा घुमा दिया है किसको ए वाले को उल्टा घुमाएंगे तो ई वाला आ जाएगा यही आइडेंटिकल अलग एक ही चीज है वो एक ही चीज को घुमा के पूछेगा चल इधर देखना ये कंपाउंड है इसमें POS ये समझ में आ रहा है POS है अगर किसी एक का कॉन्फ़िगरेशन अपन चेंज करें ये हटा दो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने का मतलब क्या है एक को पलट दो अपन ये कंपाउंड है आपके पास एक का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप पलट दो COOH है और नीचे भी क्या है COOH समझ में आ रहा है देखना ध्यान से अगर इधर एच रख दे इधर ओएच रख दे ये इधर एच रख दिया इधर ओएच रख दिया नहीं डाइस्टीरियम इसमें पीओएस है क्या नहीं है नहीं है मतलब इसका मिरर इमेज भी होगा ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है तो इसका मिरर इसका ध्यान से पहले देखना ये COOH है नीचे क्या है COOH अब ये यहां पे एच आ गया ओएच आ गया ओएच आ गया और ये क्या हो गया एच ये दोनों आपस में क्या एनएनसीओ में एक एक के साथ समझ में आया क्या ये क्या हो गया डाइस्टीरियम अरे एक के साथ डाइस्टीरियम होगा इसका इसका और इसका उसका खुद मिजो खुद ही मिजो है ना पीओएस मिजो का भी ऐसा चला ए एंड बी तो उस मिजो आ ही नहीं सकता मिजो आ ही नहीं सकता एक ही कंपाउंड होता है हां वो डाइस्टीरियम जो अकेला होता है एक में वो मिजो तो पीओएस बना सकता है वो मिजो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर पीओएस हो और वो ऑप्टिकल आइसोमर्स भी शो करे तो वो कंपाउंड क्या हो गया मिजो तो ये मिजो हो गया समझ में आ रहा है मतलब इसके टोटल कितने आइसोमर्स तीन कौन कौन से मिजो खुद मिजो और ये इसके टोटल आइसोमर्स कितने हो गए मतलब वो खुद का आइसोमर्स खुद को तो खुद का पीओएस मिला ना फिर एक एक देख एक चेंज हुआ और नीचे वाला चेंज हुआ ऐसा किया है इसके में आया सर वो दोनों आइडेंटिकल नहीं हुआ ये डायस्टीरियो हुआ है सर उसमें सी डबल ओ एस दोनों का सेम है इसीलिए सर इसको आप बोल रहे थे 180 डिग्री रोटेट करके उस पे रखेंगे तो उसमें तो वही आ रहा है सेम नहीं आ रहा सेम कहां से आएगा देख तू यार देख तू कर 180 सेम आने का बात नहीं है ऊपर चला जाएगा ये ओ एच चला चला उसको बोलने देना ओवरलैप हो जाएगा ये वैरायटी घूम के वो सेम ही कंपाउंड बनेगा ये घूम के वही बनेगा देख ले इसको घुमाएंगे वैरायटी भी और उसको ओवरलैप हो जाएगा करना तू देखे तू देख नहीं होगा आइडेंटिकल होगा क्या नहीं 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 तो ये दोनों एनएनसी को मतलब समझ में आया हां ले समझ में आया हां समझ आ गया ये मुझे उसके अलावा मुझे लगा मान लो ये 1 है देखना इधर ये 2 है ये 3 हो गया चले से पूछो 1 2 कौन सा आइसोमर्स अपने नोटबुक में कर ले और देख अगर रोटेट किया तो ये आ रहा है उसको वापस करेंगे तो ये वही आ रहा है मिरर इमेज तो दूसरे को अलग करेंगे नहीं देख मेरा इमेज में क्या और अपने नोटबुक में 180 से रोटेट कर और इसके ऊपर रख तो तेरे को पता चलेगा कि इस पे डल रहा है कि नहीं डल रहा ऐसा कर रहा हूं आप अरे ऐसा किया देखो और नहीं करना है सर अरे देख इसको हटाना मत तो ये तो है हां इसके मेरा इमेज बनेगी यस ऊपर सी डबल ओ एच होगा नीचे से ये थ्री आएगा इधर क्या आएगा एच इसको 180 से रोटेशन के बाद रख तो कवर करेगा क्या एक ही कह रहा है
कवर कर लेगा तो क्या हो जाएगा? आप ऐसे ऐसे है ना, आप ऐसे डाल के ऐसे कर लो, ऐसे ही करो, इसलिए गलत हो रहा है। हाँ तो वही चीज वापस कर रहा है। 180 से रोटेशन करना है, इसको यहाँ पकड़ना है, बोल रहा था ना, वो रिफ्लेक्शन में उसकी दोनों सेम नहीं होगी। समझ में आ गया, चलो अब इधर देखना है इसमें ना। सर ये सब नोट नहीं करना है, करना है ना ये। आपके पास अगर इसके टोटल 3 आइसोमर्स हैं, डैश ट्रियो आइसोमर्स के कितने पेयर हैं? दो। अब देख रहे हैं टोटल आइसोमर्स कितना है? 3। दो दो को आप पेयर सेट कर रहे हो तो 3 सेट हो जाएगा। हां 3 आता है, लेकिन उसमें से एक पेयर क्या होगा? एसपी मिक्सर होगा ना। हां इधर देख, उसमें से एक जो पेयर होगा वो क्या होगा? मतलब एसपी मिक्सर होगा, मतलब वो बनाना पड़ेगा। डैश ट्रियोमर्स अगर अपने को निकालना हो टोटल डैश ट्रियो आइसोमर्स 2 तो क्या हो जाएगा? 3 से 2 माइनस रेस्पिक मिक्सर। अब जो भी रहे रेस्पिक मिक्सर उसके अंदर, समझ में आया? सर तो रेस्पिक एनेंशियम ही आ गया। हां वो उसी की बात कर रहे हैं अपन, समझ में आया? टोटल 3 है, दो दो का पेयर बना रहे तो 3 से 2 हो गया। हां अब जो एनेंशियम वाला सबट्रैक्ट, कोई भी पेयर क्या हो सकता है? एनेंशियम हो सकता है, हो सकता है। तो जितने एनेंशियम है उसको हटा दो तो जो बचेगा पेयर वो क्या होगा? डैश स्टीरियो। 3 से 2 माइनस रेस्पिक मिक्सर, 3 से 2 की वैल्यू 3 हो गई। 3 माइनस 1 कितने आ गए? 2। देखो 1 3 एक पेयर, 2 3 दो पेयर, टोटल डैश थ्री आइसोमर्स कितने आ गए? 2। ये डैश थ्री आइसोमर्स निकाल दो, वाला नोट करना है ना, नया नया वो तो वो वाला करना है, इधर तो ब्लू ब्लू करना है। टोटल डैश थ्री आइसोमर्स का ये फॉर्मूला है ना, ये 3 चेंज होते रहेगा, ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि फिक्स है। जितने आइसोमर्स होंगे वो लगाना है आपको। कितने भी कार्बन रहे एक का कॉन्फिगरेशन चेंज होगा, हमेशा क्या होगा? डायस्टीरियो। तो 2 से इसी होगा ना सर, 4 आइसोमर, 4 4 से 2 माइनस 4 से 2 हो जाएगा माइनस C, वो 2 तो फिक्स रहेगा, खाली 3 4 5 6 7 हां नीचे वाला 2 तो फिक्स होगा, ये जितना ज्यादा होगा या कम होगा वो आपको देखना है। सीधी सी बात है, कॉलेज अलाउड नहीं होगी, करेगा उसको मिलेगा। हटाने हम उसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ऊपर है COOH, तुक्का नहीं लगाने का, ठीक है? COOH C2H5। अगर तुक्का तुमने लगा भी लिया तो अभी तो पास हो जाओगे, बाद में फेल हो, नेगेटिव में भी आ सकते हो। इसमें बता दें टोटल है समझ, ये 4 1 फिक्स है, 3 4 2 होगा, 2 3 1 1 2 3 तो एंटी क्लॉकवाइज और हॉरिजॉन्टल पे दो ही होंगे।
जो दो होंगे वो आपस में आइसोमर्स होंगे, मतलब टोटल आइसोमर्स चार हो जाएंगे ना? नहीं दो ही होंगे, दो पैर नहीं, दो एक ही पैर बोल रहे हैं, एक पैर मतलब दो आइसोमर्स खाली वो है जो रेंज को रिवर्स कर दे रहा है। इस बार है इसमें कोई पीओएस है क्या? नहीं सर। तो इसका मिरर इमेज विजो नहीं है, ये विजो नहीं, इसका अगर मिरर इमेज निकाले हां तो दोनों आपस में क्या होगा? किसी एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो, अब मिरर इमेज निकाल डैश डैश तो चार होंगे, नहीं पहले के साथ में डैश थ्री और समान होंगे देखो, तो उसके भी हां मतलब पहले ए हां तो तेरे पास क्या था? पीओएस था, इसीलिए इसका तुम मिरर इमेज नहीं निकाले ना, यहां पे पीओएस है क्या? तो मिरर निकालना, इसका निकालोगे ना मिरर इमेज? ओके, क्योंकि इसमें तो पीओएस ही नहीं है, यहां पे पीओएस था इसलिए आपने इसको नहीं निकाला। कैसे निकाला आपने? एक को चेंज करके निकाला, लेकिन अब यहाँ पे ऑलरेडी पीओएस नहीं है तो एक इसका भी होगा और एक को अगर रिवर्स करके रिवर्स करके भी मिरर इमेज चार हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, मतलब टोटल आइसोमर्स कितने? चार। तो 4C2 माइनस रेस्पिक मिक्सचर कितना? दो। तो 4C2 माइनस 2 इक्वल टू टोटल डाइसोमर्स हो गया। ऐसे मेन वाले के साथ एक और उसका दूसरे का मिरर इमेज के साथ। सर ये एक बार आपको समझाओ ना, देखो क्या 4C2 12 होता है, ये दोनों आपस में क्या हो गए? रेस्पिंग मिक्सर या एनेंशियोमर? एनेंशियोमर। चलो एनेंशियोमर। मतलब दो आइसोमर से ऐसे दिखते हैं। अब एक को चेंज करो। किसी एक को चेंज कर लो। पर ये कोई नहीं करने। हाँ, बाद में उसके भी दो। तो टोटल चार। उसका भी मिरर नहीं। चलो इसी को चेंज कर दे। और एच रख दे और एच रख दे। इधर वाइज हो गया। ये सी डबल ओ सी टू। अब इसका मिरर इमेज होगा। तो ये सी डबल ओ एच और ये C double O C two H five, ये इधर H आ गया, इधर O H आ गया, इधर O H और इधर H, दो आइसोमर्स हो गए। हाँ। तो ये रेस्पिंग मिक्सर ये आइसोमर हो गए, समझ में आया? टोटल आइसोमर्स कितने हो गए? चार। टोटल आइसोमर्स कितने हो गए? चार। ये करता है। ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितने होंगे? ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स पहले तीन वाले में बताना, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितने रहे? वो दो, दो मेजो को छोड़ देंगे। हाँ। वो क्या होता है ऑप्टिकल इनएक्टिव जनरल कंपनसेशन, ये मतलब चार के साथ क्या ऑप्टिकल मेजो और टोटल आइसोमर्स चार हो गए, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स भी चार हो गए। अगर डैश थ्री आइसोमर्स निकालना दो कार्बन को ऐसे क्वेश्चन कॉमन होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने में तो दो से आगे बढ़ाते हैं। मेन जोड़ा तो बढ़ाएगा ही नहीं ना, मेन जोड़ा तो बढ़ाएगा ही ना, मेन जोड़ा आगे नहीं बढ़ाएगा, वो दो के साथ ही पूछेगा और ऐसे देख के पूछेगा जो भी प्रोडक्ट रिएक्शन के थ्रू बनेगा ना, पूछेगा उसमें कौन सा कंपाउंड वो आपने वो करवाया था वो एडवांस सीधा सीधा वैसे तो उसका होल पूरे का एक कॉम्बिनेशन ऐसे पूछेंगे कि हाउ मेनी ऑफ दीज ऑप्शंस आर ए इसका इंटीजर टाइप में वो तरह से किसी भी चार क्वेश्चन का वो तभी बनेगा जब तुम आईआईटी एडवांस के चेयरमैन होंगे। बन जाएगा अभी नहीं लग जाएगा वैसे इन द प्रीवियस टेक्स्ट लेकिन याद रखना आईआईटी एडवांस पर कुछ भी चीजें सही पता नहीं ऑप्शन सी सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है
तो चेंज थोड़ी किया पर नाइस समझ नहीं रहा था आई कैन सी हां मैंने तो आई थिंक कर सी पर पेपर बनाने वाला खुद के बारे अजय एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन और क्वेश्चन 90 क्वेश्चन बस बस ऐसा वो तो ट्रैजिक तो है वो अरे आप में लो आई अरे हो जा मिटाइल इसको नहीं नहीं आ जाइए हां जब पेपर देखे आप फॉर्मूले से जो चार आ रहे हैं फोर्स आ तो चार ही आया चार ही आया अरे नहीं ढाई स्टेरो मार्क्स की बात कर रहा हूं हां तो चार ही आया फोर्स इक्वल वैल्यू क्या होती है 12 नहीं अरे सही तो सही तो है चार ही तो चार ही आएंगे भाई तो गिन तो ले पैर के एक का इसके साथ एक का उसके साथ एक का उसके मिरर इमेज का इसके साथ उसके मिरर इमेज के तो चार ही होंगे इसलिए मैंने तीन वाले में देके पहले बता दिया कि यहां पे डैश यूनिट्स 32 आई हैं तो कहां पेयर लगा तो पहले तीन वाले मैंने बता दिया कि टोटल दो पेयर बन रहे फार्मूले से भी 32 मतलब इतने सारे और किसी का मान ले ग्रेट डैश यूनिट्स आ गए जिसमें का 10 मिनट से रहा तो एक सिर टू माइनस 1 देखना है गूगल और अमन कहां बैठे हो दोनों मारक ये तो है ठीक है हमने टोटल काइरो सेंटर कितना है इसमें तीन देखना नहीं नहीं वही है वही है वही है बीच वाला नहीं होगा बॉल भाई उधर तो कार्बन बता रहा हूं ना ये बीच वाले का स्यूडो काइरो सेंटर सेंटर ए यार इधर भी स्यूडो आ गया ये फिजिक्स स्यूडो फोर्स बनता है इधर ये स्यूडो भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये सेंसलेस भाई अरे इधर अब ये वाला ना कार्बन सेंटर तभी होगा जब ऊपर का आर हो जाए नीचे का एस हो जाए अगर मान लो ऊपर आर नीचे आर आ गया तो दोनों सेम ग्रुप हो गया ना तो कैरल कैरल नहीं होगा तो कैरल नहीं होगा ये कब होगा कैरल सेंटर जो ऊपर आर नीचे एस या फिर ऊपर एस आ नीचे ऊपर करना चाहिए कॉन्फिगरेशन नीचे वाले में अगर ओएच और एस को चेंज कर दे तो ये कैरल बन जाएगा ना हां बन जाएगा वो तो फिर इजीली बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं ये सीधा कैरल है ये स्यूडो कैरल है मतलब इसका मतलब अगर ऊपर आर है तो नीचे आरएस है ऐसा ना चाहिए अभी अपन चेक कर लेते हैं ओके स्यूडो कैरल में आरएस आरएस का देखना होता है नहीं कॉल अगर ऊपर नीचे कॉन्फिगरेशन चेंज हो गया मतलब कैरल सेंटर है हां तो स्यूडो कैरल सेंटर क्या होता है वही वाला देखने में लगेगा कि स्यूडो कैरल सेंटर तो बता दें कभी होगा कभी नहीं होगा होगा तो उसका ऐसे नाम स्यूडो चेक करना है कि होगा चेक करना होगा तेरे को अगर ऊपर नीचे कॉन्फिगरेशन चेंज हो गया तो होगा कैरल सेंटर होगा अदरवाइज नहीं होगा ठीक है चलो ऊपर नीचे वाले का कॉन्फिगरेशन सर ऊपर आ रहे नीचे ऐसे सिंपल निकाल दिए तुम लोगों ने अरे सेंटर टोटल का सेंटर तीन हो गए तो गलत हो गया इसमें कोई पीओएस सीओएस है क्या है शायद ऐसा ऊपर से काटेंगे अरे नहीं आर एस तो ऐसे इसको सिर्फ पीओएस होगा पीओएस नोट करो इसको ऐसे काटेंगे अच्छा है चुका कि नहीं अच्छा ओएच वैसे इसमें इसमें अगर नीचे सी डबल ओएच लगाए ना तब तो हो जाएगा समझ में आ रहा है जब पीओएस देखते तो आरओएस में देखना होता है तब से एक मिल गया तो फिर दूसरे की तरफ जाने ही नहीं है एक पीओएस मिल गया सीएस करें वैसे नहीं बोल रहा अच्छा हां अगर पीओएस निकल जाए और ऊपर आर और नीचे आर हो वैसे सिमेट्रिकल हो तो पीओएस गिना का है ना पीओएस कोई भी पीओएस ही होता है
मतलब उसमें आर और एस से कोई फर्क नहीं पड़ता ना? नहीं ठीक है देखना अगर नीचे सी डबल ओ सी टू एच फाइव लगा फिर से बिल्कुल से ओएच 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 इसको सीडो कार्बन सेंटर बोलोगे क्या उसको नहीं बोलिए ए सी डबल ओ सी टू एच फाइव लगा हां तो सूडो जो होगा ये काइनर भी नहीं होगा सूडो भी नहीं होगा काइनर असिमेट्रिकल पीओएस सीओएस ऐसा कुछ नहीं होगा वो क्या हो गया अनसिमेट्रिकल में कार्बन सेंटर कितना है इसमें तीन दोनों अलग होने चाहिए ना आर और एस या एस और आर होना चाहिए कोई होगा ना इसमें तो पहले से इसमें तो पहले से दो ऑलरेडी है पहले से ना सीधे वाला सीधे कॉन्फिगरेशन हो तो भी कह रहे हो मतलब नहीं होगा कॉन्फिगरेशन ऊपर नीचे अगर डिफरेंस आ गया तभी क्या होगा सूडो वो कार्बन सेंटर होगा और ये कहाँ चेक करने की नौबत आई है सूडो बहुत आ गया सूडो आ गया तो चेक कर लेंगे ऐसा बता के रखा है ये सूडो कायर है सूडो का सही है वो देख लेने का देखना ही पड़ेगा ना जब अगर एली एटम सारे सेम हो ऑर्डर भी सेम हो ऊपर नीचे तो सूडो कायर है हाँ बाद में मैं चेक करना है कि असली में कोई रहा है या ऐसे कि क्या है और अगर आर आर आ जाता तो नहीं है नहीं है सेम कॉन्फिगरेशन है मतलब आर आर आ जाता तो उसको सूडो कायर ले रहे हाँ उसको सिर्फ सूडो अगर आर एस आ गया तो काइरन प्रॉपर काइरन हाँ आर आर हो गया तो होगा ही नहीं ना सूडो कैसे है तो तब से क्या बोल रहे हैं यही ये लोग भी बोल रहे हैं जो तू बोल रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन सेम आ गया तो काइरन सेंटर नहीं होगा तब सूडो काइरन अरे पर सूडो पहले होता है सूडो तो नहीं होता है सूडो होता ही नहीं अनसिमेट्रिकल कंपाउंड का क्या देखना ही जा अनसिमेट्रिकल उसको बोलेंगे जहां पे पीओएस सीओएस नहीं हो समझ में आ रहा है इसके अंदर पीओएस है ये समझ में आ रहा है आप लोगों को हां पीओएस तो नीचे काटेंगे ऊपर नीचे क्या होने वाला है ऐसे काटेंगे हां ऊपर नीचे क्या होने वाला सेम होने वाला है तो कोई वैसा कंपाउंड जिसमें सीओएस पीओएस नहीं हो उसको क्या बोलते हैं अनसिमेट्रिकल तो एसिमेट्रिकल नहीं हुआ इसमें पीओएस नहीं है ये सिमेट्रिकल हो गया एसिमेट्रिकल नहीं हुआ कौन सा एसिमेट्रिकल होता है ऐसा नहीं है की चार चेक करो आधा घंटा उसी में लगाओ अनसिमेट्रिकल का मतलब पीओएस नहीं होना चाहिए समझ में आ गया कौन सा हमने लिखा है एसिमेट्रिक में इफ ऑल सिमेट्रीज आर एब्सेंट सीओएस पीओएस एब्सेंट है तो एसिमेट्रिक तो वही एसिमेट्रिक वाला को क्या नाम दिया गया अनसिमेट्रिकल तो वही पूछ रहा हूँ अब तक अपन ने सबका मिरर इमेज बना कर दिया आप सीधे सीधे फॉर्मूले जाएंगे लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपने फॉर्मूले कभी स्ट्राइक नहीं करेगा यही लगाओगे लॉजिक में जो सबसे ज्यादा रहेगा तो छोड़ देना आगे बढ़ना है भगवान नहीं कम कैलकुलेशन फॉर टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इफ अ कंपाउंड है 1 मिनट फर्स्ट पॉइंट काम हो अरे टाइटल ले लिया अ कंपाउंड है वेडिंग भी है कैलकुलेशन फॉर टोटल स्टीरियो आइसोमर्स ये है ठीक है
if a compound has n unsymmetrical chiral center Then total stereoisomers. स्मॉल ब्रैकेट में टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स या ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स जो भी आएंगे मतलब वो क्या होंगे स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में बोल सकते हो स्मॉल ब्रैकेट ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2 का पावर n ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स रेशियो 2 टोटल इसमें अनसिमेट्रिकल काइरल सेंटर अनसिमेट्रिकल काइरल सेंटर है ना फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 सिमेट्रिकल काइरल सेंटर है कोई मतलब अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है जिसके अंदर n क्या है जितने नंबर ऑफ चाइरल अगर मान ले इसमें 3 है तो 2 का पावर क्या होगा 3 तो इसके अंदर टोटल कितने आइसोमर्स हो जाएंगे 8 और 8 का 8 क्या होगा ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर होगा रेसिप्रोकल कितने होंगे 0 2 नहीं 2 1 एक पेयर में 4 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
2 का पावर n डिवाइडेड में 2 हां टोटल रेसमिक मिक्सचर कितने हो जाएंगे समझ में आ गया रेसमिक मिक्सचर 2 का पावर n डिवाइडेड में क्या हो जाएंगे 2 ये ध्यान रख मतलब अगर इसके अंदर बात करते हैं अभी अपन ना इसी में टोटल एसवी आइसोमर्स कितने होते हैं 8 और 8 का 8 क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स इसमें कोई मीजो मिलेगा क्या नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा पीओएस पीओएस नहीं है तो एसवी मिक्सचर कितना हो जाएगा 4 4 8 बाय 2 मतलब 4 आ जाएगा 2 2 ठीक है ध्यान रखना ये अगर किसी के पास कोई अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है एन काइरल सेंटर है तो 2 का पावर एन टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स मतलब जितने भी इसमें आइसोमर्स मिलेंगे वो सबके सब ऑप्टिकली क्या होगा एक्टिव होगा कोई भी इनएक्टिव नहीं होगा मतलब इसमें मेजर फॉर्मेलिटी टोटल निकालना होता है एक्टिव और इनएक्टिव वो सब मिलाकर तो इसमें इनएक्टिव जीरो सब ऑप्टिकल आइसोमर्स किसके निकलते हैं जो एक्टिव हो कंपाउंड इसमें बस क्या होगा टोटल का आधा सेंटर 3 है तो इसमें इनएक्टिव वाला तो कोई गैस ही नहीं है ना कहीं पे सीओएस भी वैसा ही नहीं आप वो वाले केस में तुम निकाल सकते थे ना उसमें मीजो आ रहा हां जिसमें मीजो आ रहा होगा मीजो उसमें प्लस मीजो करने पड़ेंगे ना अब लिखा हूं उसके लिए भी फार्मूले ना मीजो का एक एक्स्ट्रा होगा बस ये फार्मूले क्यों स्टाइल नहीं करेंगे क्या कह रहे हो ये फार्मूले क्यों स्टाइल नहीं करेंगे कोई असाइनमेंट मिलेगा भी ऐसे नहीं नहीं बनाना लेकर से तुम लोग कैसे फार्मूले से निकाल करते हो वो भी देख लेना फिर ये नेक्स्ट है ये ऐसे लिखा है सब्जेक्ट देखना इसमें क्या होगा मीजो है ना मतलब इसके अंदर टोटल कंपाउंड टोटल एसवी आइसोमर्स कितने हैं 3 जिसमें एक क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और दो क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव तो इसके अंदर बताओ अपने पास क्या है पीओएस पीओएस है मतलब ये वाला कंपाउंड को आप क्या बोल रहे थे अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का बोल रहे थे जब पीओएस यूएस नहीं इस वाले कंपाउंड को क्या बोल सकते हैं सिमेट्रिकल नीचे अब लिखना
उससे कोई लॉजिक नहीं लगाना है, नहीं तो माइनस के कगार पे जाओगे. आज भी मैथ्स क्यों हो रहा है? मैथ्स है ना, अभी 6 दिवस हुआ है. बस ये फॉर्मूला लिखा के छोड़ा. सर देखिए, विद पीओएस बैलेंस सिमेट्रिक, सिमेट्रिकल में चारों में से कोई भी चलता है कि खाली पीओएस होना चाहिए? पीओएस बाकी सब आता ही नहीं है ज्यादा कुछ. चलो लिखो, इफ अ कंपाउंड हैज, इफ अ कंपाउंड हैज एन n symmetrical chiral center, n symmetrical chiral center, देखिए chiral center if n is plus one से फुल तब होगा जब दो, जब एक मेसोफॉर्म. अभी मैंने कुछ बताया नहीं, तुम लोग प्लस वन प्लस टू का नहीं जानते हो. प्लस ए अगर ज्यादा मेसोफॉर्म हो if n is even, if n not even, if n is क्या है, even, total optically active isomers equal to, total नहीं बताने, सिर्फ optically, total optically active isomers equal to 2 का power n minus 1, 2 का power ऊपर जो रेशमिक टोटल निकाले थे वही फॉर्मूला है इस बार. बस बीजो वाला कम हो गया. 2 की पावर n ऊपर ही माइनस 1 की बाहर में. अरे बाहर में बाहर पावर में कैसे माइनस बचेगा क्या? देखो जब बाहर माइनस हो जाता है वही तो इसमें कैसे होगा पावर में माइनस? नहीं सोच, बीजो ही निकालना है. चल देखना, ये मैंने बोला है ना ऊपर में नहीं, सेकंड में टोटल बीजो फॉर्म, टोटल इसी में बीजो फॉर्म वन इस पर निकले हुए मूल. अरे तो बाहर निकाला n a का पावर इसे पर निकाला एक कितना भी 2 का पावर n by 2 minus 1 2 का पावर n by 2 सर तो बोल रहा है उसका कितना चाहिए पावर n minus 2 की पावर n by 2 minus 1 नहीं होता. वही 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 इसका देखो आपने मेसोफॉर्म माइनस किया नहीं, उसमें से मेसोफॉर्म माइनस किया ना टोटल ऑप्टिकल एक्टिव में से टोटल आइसोमर्स में से हमें उसमें से यही सबट्रैक्ट करना चाहिए. वही देखना इधर है, तो बात तो वही है ना, इसमें टोटल ऑप्टिकल टोटल आइसोमर्स कितने हैं? 3 3 तो n की वैल्यू क्या है? 2 नहीं 3 2 ही है ना. वही है ना, समझ में आ रहा है? हां हां. तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स इसमें 2 है, समझ में आ रहा है? हां. पर यहां से अगर ये वाली वैल्यू रखें तो इसमें 3 आ रहा है. हां सर इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा? हां इसमें सेटिस्फाई होगा तो नहीं होगा 4 में दिया मतलब 2 की पावर मतलब अगर 4 इसमें अगर 4 माइनस 4 हो जाए. मैं समझ गया, अभी एग्जांपल देता हूं ऑप्टिकल प्रयोग में. टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इक्वल टू, अब ये सही है ना जो ये बी और अपार्ट है ना, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स वही नहीं हुआ तो ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियो मतलब टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इक्वल टू, मैंने एक लिखा है ऑप्टिकली एक्टिव मतलब उसमें भी जो नहीं आएगा. ओके ओके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इक्वल टू 2 रेस्ट टू प्लस 2 का पावर n माइनस 1 प्लस में दोनों को ऐड कर देना है बस ना. ठीक है, मैं एग्जांपल अगले क्लास में इसके लेता हूं ना. ओके 2 के पावर n माइनस 1 ही सिर्फ ये दोनों ऐड करते हैं, एक को इसमें प्लस ले. ओके पर अब लिख दो ना. अरे वो दोनों प्लस है प्लस लगा दिया उसने. 2 का पावर क्या है वहां पे? n माइनस 1 के पावर n माइनस 1 क्या आ गया? इसको ऊपर पावर में लगा के नीचे है माइनस नीचे और ये माइनस में क्या हो गया वो पावर ना. अब समझ में आया क्यों नहीं आया स्ट्राइक हो ये फॉर्मूला ही नहीं याद रहता ना उस टाइम. सर ठीक है आप अगली क्लास में वापस समझोगे ना? हां एक बार.